काम जो होता है गुंडों का होता है, ठीक है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, उन पर गोलियां चला रहे हैं, लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ये किसका काम है? ये जनरल डायर का काम नहीं हो सकता, किसका काम हो सकता है? ये जलियांवाला बाग वापस दिखाने का काम ये अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह बतौर गृह मंत्री फेल हो चुके हैं, इस्तीफा देकर वापस गुजरात जाना चाहिए। जिस तरह इस आदमी ने गुजरात को जलाया, उसी तरह पूरे देश को जलाने का काम कर रहा है। आज असम में, पटना में, मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है सीएबी को लेकर। हमें सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में मानवता में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, उनको सड़क पर उतरना चाहिए और ऐसी तानाशाही सरकार को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। प्रशांत जी, क्या लगता है कि कहा जा रहा है कि छात्रों का हिंसक प्रदर्शन था, उन्होंने छात्रों का हिंसक प्रदर्शन नहीं था। आप स्टेट के सामने कौन सी हिंसा कर सकते हैं? उनके पास टैंक है, बंदूक है, गोले है, बारूद है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनके सामने कौन हिंसा करेगा? ये झूठे आरोप है कि छात्र हिंसा करे। छात्र अपने मांग कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, और ये जो मनुवादी लोग हैं, जो लोग सावरकर के औलाद हैं, वो सारे लोग इन छात्रों के दमन करना चाहते हैं, जिसको हम सभी ने देख चुका है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो जामिया हो, एमयू, हर जगह छात्र आज के डेट में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। और ये सरकार जानती है कि जिस प्रकार इंदिरा के शासन को छात्रों ने उखाड़ फेंका था, उसी तरह यही छात्र मोदी के शासन को भी उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए मोदी डरे हुए हैं, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, इसके लिए नहीं चाहते बच्चे पढ़े, इसलिए ये मनुवादी सरकार को उखाड़ के फेंकने का इन सभी ने निर्णय लिया। और ये गुंडे हैं, इनको पुलिस बोल के अपमान मत करो, ठीक है। अंग्रेज चले गए, अपनी औलादे छोड़ के गए, ये वापस जलियांवाला बाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको बख्शेंगे नहीं, भारी संख्या में लोग आएंगे और इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे।